बहराइच में धनवा गांव निवासिनी 30 वर्षीय ननकई का संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि अवैध संबंधों के चलते उनकी पुत्री की हत्या की गई है। मृतका के पिता का आरोप है कि पति की रिश्तेदारी में ही अवैध संबंध चल रहा था, जिसको लेकर आए दिन विवाद उत्पन्न होता रहता था। विवाद परवान चढ़ा और पति द्वारा पत्नी को मारा पीटा गया और विषैला पदार्थ खिला दिया। विवाहिता को पहले शिवपुर CHC में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए बहराइच मेडिकल कॉलेज के लिए उसे रेफ़र कर दिया गया। बहराइच मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कहाँ के रहने वाले हो? थाना। जी, कौन है आपकी मृतक? ये हमारी बेटी है। क्या नाम था? ननकई। क्या उम्र थी? ये जहर खा दिया इसके आदमी ने। उम्र क्या थी? उम्र 30 साल। कैसे मौत हुई है? इसको इसके आदमी ने जहर दे दिया। इसको मारता पीटता था, बहुत तंग करता था। क्यों जहर दे दिया? ये दहेज के मोटरसाइकिल में ऐसे मांग रहा था। मैं गरीब आदमी तो गाड़ी नहीं ले पाए, इसलिए मेरी बेटी को मैं। शादी कितने साल हो गए थे? शादी के हो गए थे 10-12 साल। अच्छा, कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे। हाँ, बोला था कि तुम्हारी लड़की बीमार है, कल साहब जब हम लेके गए तो ये बहुत परेशान थे। रात में इसको शिवपुर ब्लॉक में डाला। इसके बाद मेरे पास पैसे कम हो गए। शाम को 8 बजे हम घर पर चले आए, पैसे ले लें, बोला इलाज के लिए पैसे ले आए। और 10 बजे इसका फोन कर दिया कि तुम्हारी लड़की मर गई। क्या हुई थी? लड़की ने बताया था कि हमको सल्फास पिला दिया। किसने? तिलकराम ने। क्यों? बोला कि ये तिलकराम जो था ये एक परिवार की औरत से फंसा था। अच्छा, अब ऐसे संबंधों के चलते गया है। पति